एक हिजाबी सिस्टर कहती मैं नमाजी हूँ, पता नहीं शी वाज हाफिज़ एज़ वेल और सब कुछ, कहते सब छोड़ दिया, बीटीएस नहीं छूट रहा उससे। आपको मैं स्ट्रेंज बात बताऊं, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो हमारे घर में मेड आती है ना, उसके व्हाट्सएप स्टेटस में के पॉपुलर है। अच्छा ब्रो, मैं आपको ना एक और स्टोरी बताता हूं। हम कहां खड़े हैं ब्रो? नहीं, एक और स्टोरी बता दो, कहां से कहां निकल गए अब यार। अब ये जो भी लोग केपॉप सुन रहे हैं ना, इनको दे डोंट नो द डार्क रियलिटी ऑफ इट, what are these people doing behind the door, you know, closed doors. ab ye kim jong hai, I don't know, ye bhi bada mashhoor tha, iske white bana galiban, literally these are his words, kehte I am broken from inside aur this depression has finally engulfed me entirely, aur phir kehta hai ki I was so alone, I mean literally, yani it's so tars hi aata hai na aise logon ke upar, aur end mein kehta hai is duniya se jane se pehle please tell me I did a good job, कि मैंने अपनी जिंदगी को जाया नहीं किया, प्लीज मेरी अप्रिसिएशन कर दो थोड़ी बहुत। और उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी और ही डाइड इन दी होटल, यानी अपनी तरफ से ये होटल में रहते हैं और यू नो दे लिव देयर लाइव्स इन लग्जरीज। द पॉइंट इज कि देखो, एंग्जायटी डिप्रेशन इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पैटर्न नजर आए ना कि यार जो भी लोग म्यूजिक करते हैं और वो किसी पिनेकल पे पहुंचते हैं, why do we see this pattern ki a lot of these people are tend towards suicide drugs, matlab wo apne aap ko khatam kyu karte hain? Hamare ulama kehte hain na ki shaitan ka jo quran hai wo music hai, aur agar aapke dil mein, agar aapke dil mein shaitan ka quran hai, to hamara jo asal quran hai uski jagah nahi Abdul Qayyum ka hai ye, unhi ke dil mein ya to music ya phir quran, ye unhi ki, it will be either one of them, can't be both. Wo ayat hai na quran ki, माँ हर्रा कब रबिकल करीम, तुझे अपने करीम रब से के पॉप ने, बीटीएस ने गुमराह किया हुआ है, ठीक है, पिंक एंड ब्लैक एक उनका कोरियन ब्रांड है, उसने गुमराह किया हुआ है तुझे, किसी म्यूजिशियन ने, एमी वाइनहाउस ने, जस्टिन बीबर ने तुझे, माँ हर्रा कब रबिकल करीम, तुझे तेरे करीम से किस जात ने, किस आइकॉन ने, किस बैंड ने तुझे गुमराह किया है।